एक बार एक गीता नाम की चिड़िया थी जो तीन अपनी सहेलियों के साथ एक ही डाली पर एक पेड़ पर रहती। चारों ही अपने परिवार के जैसे रहते थे और सुख दुख आपस में बांटा करते थे। और गीता का एक घोंसला भी था जिसमें उसके कुछ अंडे थे। ऐसे करके वो अपने परिवार के साथ रहते थे और आपस में सुख दुख बांटा करते थे। ऐसे कई टाइम गुजरता गया। वहाँ पर एक कौवा भी था जो उन अंडों को खाना चाहता था, लेकिन वो चारों सहेलियों को देखकर डर भी रहा था कि कहीं मैं इनसे लड़ जाऊं तो ये हमें हरा ना दे और मार कहीं नहीं दे। तो इसलिए उसने एक तरकीब सोची कि पहले मैं इनसे दोस्ती कर लूं। इसलिए वो उनके पास गया उड़ते हुए और उन्हें बोला कि मैं गौरी की फ्रेंड हूँ और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं अकेली हूँ। जो गौरी थी वो उस चिड़िया की सहेली थी, वो जंगल से बहुत दूर रहती थी। तो गीता ने कहा मैं पहले उस गौरी से मिलके आऊँगी और पूछूंगी कि क्या ये तुम्हारी सहेली है या कौन है। तो ऐसे करके वो गीता उस गौरी के पास गई और उसे पूछा कि वो जो कौवा के बारे में कि वो तुम्हारी सहेली है कौन है। कौवा ने कहा कि हाँ वो मेरी सहेली है। तो गीता ने इतनी बात सुनकर वहाँ से उड़ने लगी बहुत जल्दबाजी में। तो गौरी ने कहा पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। लेकिन वो गीता सुनी नहीं, बोली ठीक तुम्हारी सहेली है तो मुझे आप पर पूरा विश्वास है, तुम्हारी सहेली भी तुम्हारे जैसी होगी तो हम उनको साथ रख लेंगे। लेकिन वो पूरी बात के बिना सुने बिना ही वहाँ से उड़ गई और उस कौवा को दूसरे कौवा को अपने साथ रखने के लिए इजाज़त दे दी। और तब से काफ़ी टाइम से एक साथ रहते थे, एक ही पेड़ पर रहते थे और आपस में बातें करते थे। लेकिन जो वो दूसरा कौवा था वो उस अंडों को खाने पर बुरी नज़र रखता था, कैसे भी करके उन अंडों को खा ले। तो वो उस चीज़ के इंतजार में था कि कैसे ये सभी यहाँ से दूर जाएँ और मैं इनको पीछे से अंडे खा लूँ। तो जैसे एक टाइम ऐसा आया कि वो चिड़िया उनकी सहेली तीनों सहेलियाँ वहाँ से उड़कर चली गई और कुछ खाने का लेने के लिए और कुछ चुगा लेने के लिए वहाँ से दूर चली गई। ऐसे ही उस कौवे ने जो वो बुरा कौवा था उन अंडों को सारो खा गया और वहाँ से एक साइड में जाके बैठ गया। तो वापिस वो सभी आके चिड़िया देखी कि उनके अंडे नहीं है, घोंसला खाली है। तो उस चिड़िया ने उस कौवे से पूछा कि तुम यहीं पर थे तो उस अंडों को किसने खाया, मेरा घोंसला कैसे खाली है। उस कौवे ने बोला नहीं मैं तो सो रही थी, मेरे को नहीं पता यहाँ पर एक सांप आया था, शायद उसने खा लिया है। लेकिन वहाँ पर उसने देखा सांप का कोई भी निशान नहीं था, उसी कौवे पर उसे शक हुआ था। तो उस चिड़िया ने वहाँ पर वापस उसी गौरी के पास गए और बोले तुम्हारी सहेली ने मेरे अंडे खा लिए मुझे लगता है। तो उस चिड़िया ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था मेरी पूरी बात सुन लो फिर उनको अपने साथ रखना। उस गीता ने कहा क्या तुम कहना चाहती उस टाइम। तो उस गीता वापस गौरी ने बताया कि वो कौवा बुरा है, उसे साथ रखे तो पूरा ध्यान रखना और शायद उसे ध्यान अपने साथ भी मत रखना। ऐसे करके वो चिड़िया पूरी बात बाद में सुनी तो उसे दुख हुआ कि अगर मैं पहले पूरी बात सुन लेती तो आज मेरे बच्चे मेरे से दूर नहीं होते। तो हमें इस कारण से सीख मिलती है कि हमें किसी की भी बात को आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए, पूरा सुनना चाहिए, फिर हमें कोई काम करना चाहिए।